लखनी तहसील का एक कर्मचारी ही रेत चोर। मोहाड़ी तहसील के घाटों से रोजाना रेत चोरी। ओका जंगल से होते हुए लाखनी साकोली होती है रेत परिवहन। कौन है वह कर्मचारी? भंडारा जिले के कोई भी रेत घाटों की नीलामी ना होने के कारण रेत तस्करों ने नई तरकीब निकाली है, जिसमें वह भंडारा जिले के कन्हाल गांव, नीलज और मुंडरी में शाम के समय रेत तस्करी करते हैं। इन रेत घाटों पर अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ कई बार कार्रवाई हो चुकी है, फिर भी मोहाड़ी थानेदार और तहसीलदार के नाक के नीचे से रेत तस्कर अवैध रेत चोरी कर रहे हैं। यह रेत तस्कर नदी से रेत निकाल कर जंगल में एक जगह ठिया बनाकर उसे ट्रैक्टरों में भरकर साकोली से लाखनी सोने जंगल मार्ग से रेत भर कर ले जाते हैं। ट्रैक्टर क्रमांक MH36Z5508 यह रेत चोरी कर लाखनी साकोली ले जाने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह रेत चोरी लाखनी तहसील कार्यालय के एक कर्मचारी का करने का सामने आया है। अब जब महसूल विभाग ही इस तरह की रेत चोरी करेंगे तो क्या वह अन्य जगहों पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा सवाल नागरिकों में उपस्थित हुआ है। संबंधित विभाग क्यों इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा सवाल नागरिकों द्वारा उपस्थित किया जा रहा है। इसके साथ ही लाखनी तहसील का एक कर्मचारी इन घाटों से अवैध रेत तस्करी करने का मामला सामने आया है। कौन है वह अधिकारी, क्या उस पर होगी कार्रवाई, ये अब देखने की बात है।